सम्मान व्यक्तित्व की एक अहम भावना होती है। ये एक निवेश की तरह है। जितना हम दूसरों को देते हैं ब्याज सहित उतना ही हमें वापस मिलता है। तो अगर हम दूसरों का सम्मान करेंगे तो हमें भी जीवन में ढेर सारा सम्मान मिलेगा, और ये एक सच है जो सदियों से सच साबित होता आया है। तो सम्मान कीजिए, सम्मान पाइए। हमारे साथ हैं ज्योतिष गुरु आपको ये बताने, ये सिखाने के लिए कि कैसे हम अपने आप को एक सम्मानित व्यक्ति के तौर पर इस समाज में स्थापित कर सकते हैं, सफलता की मंजिल तक पहुंच सकते हैं। तो आज भी यही होगा, बने रहिए हमारे साथ। ज्योतिष गुरु बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो अगर हम चाहते हैं कि हम भविष्य में कामयाब इंसान बने, तो उसके लिए पहला स्टेप यह है कि हम अपने आज को, बल्कि अपने अभी को बेहतर ढंग से जीने की कोशिश करें, क्योंकि आपका आज ही आपके सुंदर कल का निर्माण करेगा। कोई गंडा तावीज उपाय काम नहीं आएगा, आपके कर्म ही आपके रास्ते को बनाएंगे, आपको सुंदर भविष्य की तरफ ले जाएंगे। तो आइए ज्योतिष गुरु से सीखते हैं कि हमारे आज के कर्म क्या हों, क्योंकि अपनी जिंदगी बदलते हम खुद ही हैं। सबसे पहले मेष और वृषभ आपके लिए। मेष राशि वालों के लिए सब कुछ ठीक होते हुए भी मन में कई तरह की उथल पुथल है। कहीं ना कहीं कोई छुपी हुई प्रेरणा है जो आपको आगे बढ़ने में मदद ही कर रही है। इस वजह से उन परेशानियों को अपने मन से हटाना होगा जो जिंदगी में रुकावटें पैदा कर रही है। क्या करना चाहिए समझ? किसी प्यार के रिश्ते की ओर आपका रुझान बहुत अच्छा है। इस चीज से प्रेरणा ले लें कि अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाह रहे हैं तो खुद को इतना सक्षम बना लें कि हर कोई आपको अच्छी नजर से देखे और आपकी बात का समर्थन करे। क्या ना करें इस समय में? अपने व्यवहार में किसी भी तरह का तीखापन लाकर अपने लिए परेशानियां ना पैदा करें। आपके सामने बहुत सारी ऐसी छुपी हुई परिस्थितियां हैं जो कुछ चुनौतियां भरी हैं, इसलिए बहुत विनम्रता के साथ लोगों से जुड़े रहें ताकि आपकी परेशानियां बढ़े नहीं। वृषभ राशि वालों की सफलता से बहुत सारे लोग खुश नहीं है। हो सकता है वो आपसे ईर्ष्या करते हो, या हो सकता है वो उस मुकाम को पाना चाहते हो जहां तक आप पहुंच गए। इसलिए अपनी स्थिति को हर तरह से बचाए रखना होगा ताकि किसी के मन में आपके खिलाफ कोई विचार न उत्पन्न हो। क्या करना चाहिए समय? घर परिवार में लोग आपके लिए हर तरह से मददगार हैं। वो आपकी सुख समृद्धि को बढ़ाने के लिए भी कई तरह के रास्ते सुझा रहे हैं। आपको उनसे बात करनी होगी ताकि आपके लिए कुछ अच्छे नए विकल्प उभर कर आ सके। क्या ना करें इस समय में? किसी भी बात में इतना भी उत्तेजित ना हो जाए कि आपका नुकसान होता चला जाए। किसी बात को इतना भी बढ़ा चढ़ा कर ना देखें कि आपके खर्चे बढ़ जाएं और आपकी नुकसान की स्थिति बनती चली जाए। तो किसी छोटी सी बात को इतना भी मत तूल पकड़ने दें कि वो आपके लिए नुकसान में बदल जाए, समझिएगा। सवाल लेते हैं सर। सवाल है नरेंद्र कुमार का। 19 मार्च 1973 चंडीगढ़ में जन्म, 5 बजे शाम को। बहुत वक्त हो गया नौकरी करते, लेकिन इनके पास पैसे नहीं बच पा रहे हैं। जो आर्थिक स्थिति है वो भी अच्छी नहीं कही जा सकती। कब तक आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, बचत होगी, और इनसे कहां पर चूक हो रही है वो भी शायद समझना इनके लिए जरूरी है। नरेंद्र जी, आपकी कुंडली है सिंह लगन की और कन्या राशि की। आपकी महादशा चल रही है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है सूर्य की अगस्त 2018 तक। बचत नहीं है, पैसा रुकता नहीं है, आर्थिक स्थिति कब सुधरेगी, आपने सवाल पूछा। आपकी आमदनी आज भी ठीक है लेकिन खर्चे बहुत ज्यादा है, इसलिए सारी परेशानी। और आपके हालात सुधरने का एक समय बनता है जी मई-जून 2019 से, जब आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन पैसे पे फिर भी एक नज़र रखनी पड़ेगी। अपने खर्चों को बांधना पड़ेगा, प्लान करके चलना पड़ेगा, ये सारी बातें जरूरी। देखिए, मई जून 2019 से आपकी आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन बेहतर हो रही है, लेकिन चूक कहाँ पर हो रही है? हम कुछ खर्चों को अपनी लाइफस्टाइल बना लेते हैं। प्रॉब्लम यहाँ खर्चों को है, अपनी लाइफस्टाइल में हमें कुछ चेंजेस लाने होंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखिए, यही छोटी छोटी बचत मिलकर एक बड़ी सेविंग में आपको दिखाई पड़ती है। समझिएगा कहाँ पर आप ज़्यादा कर रहे हैं। ईमानदारी से आप अगर अपने अंदर झांकेंगे तो समाधान भी आपको मिल जाएगा। वैसे अच्छा वक्त आ रहा है। मिथुन और कर्क, अब आपके लिए आज का दिन कैसा है, आप क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वालों के पीठ पीछे क्या हो रहा है, इस बात का आपको इस समय आभास नहीं है। हो सकता है आपके पैसे से जुड़े कुछ फैसलों की आपकी पीठ पीछे आलोचना हो रही हो, और इस वजह से हो सकता है कुछ फैसले गलत भी हुए हों। किसी भी स्थिति में बहुत कुछ समझने की जरूरत पड़ती है। क्या करना चाहिए समय? अपनी जिंदगी की खुशियों को अपनी मेहनत से बढ़ावा दिया जा सकता है। आपके अंदर इस समय बहुत सकारात्मक विचार बन रहे हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें। इसी वजह से अपनी कोशिशों को और केंद्रित करने से आपको लाभ भी हो सकता है। क्या ना करें इस समय में? अपने पैसे को किसी भी तरह के खतरे में न डालते चले जाएं।
विचारों के मतभेद से कोई ऐसी स्थिति ना उत्पन्न होने दें जिसके चलते आपका अनजाने में कोई ना कोई नुकसान होता चला जाए। कर्क राशि वाले लोगों की मदद जरूर करना चाह रहे हैं, पर आपके मन में लोगों के प्रति बहुत सारे भटके हुए विचार हैं। यही वजह है कि कभी कभी वो भरोसा टूट जाता है जो आपसी तालमेल के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या करना चाहिए समय में? किसी भी तरह के नुकसान से बचना होगा, और नुकसान के बहुत सारे रूप हैं। पैसे के नुकसान से बढ़कर आपकी मेहनत का नुकसान एक ऐसी स्थिति है जिसे आपको हर हाल में समझना होगा और उससे बचकर चलना होगा। क्या ना करें इस समय में? रोजमर्रा की परेशानियों को अपनी नाकामियों का कारण न बनने दें। अपने काम या कारोबार के प्रदर्शन को बढ़ावा दिया जा सकता है, उस पर भी अपनी रोजमर्रा की चुनौतियों का असर बिल्कुल ना पड़ने दें। कहीं ऐसा ना हो कि अच्छी भली स्थिति भी किसी न किसी वजह से फीकी पड़ती चली जाए। चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन चुनौतियों का ये मतलब नहीं कि जो अच्छी भली स्थिति आपके सामने अभी है आप उसे कमजोर कर दें। चुनौतियों से डरना नहीं है, उनका डट कर सामना करना है। सिंह और कन्या राशि, अब आपको क्या करना है? देखिए, अगर चुनौतियां जिंदगी में आती हैं, अच्छी बात है। चुनौतियां उन्हीं की जिंदगी में आती हैं जिन्हें जिंदगी में कुछ अच्छा करना होता है या अच्छा बनना होता है। कैसे उन चुनौतियों को फेस करें उसके लिए हम थोड़ी आपकी मदद किए देते हैं। सिंह राशि वाले ये समझ लें कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेहत का ख्याल तो रखना ही पड़ेगा, और हर ऐसी स्थिति का भली भांति आंकलन करें जिसके बारे में पूरी जानकारी नहीं। कामकाज के क्षेत्र में भी हर बात को पूरी तरह समझ लें ताकि व्यर्थ के बदलाव से बचा जा सके, और अगर लोग आपके किसी बदलाव की आलोचना कर रहे हैं तो इसे एक छुपा हुआ आशीर्वाद ही मान लें। क्या करना चाहिए समय में? आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा समय है जिसके चलते आपकी मेहनत साकार हो जाए, पर कुछ हद तक स्थिति यह भी है कि आप अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा करें जिसका पूरा फायदा मिल जाए। इसलिए अपने मित्रों और चाहने वालों से तालमेल बनाए रखना बहुत जरूरी है। क्या ना करें समय में? अपनी अच्छी भली स्थिति का जायजा लेने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। तकदीर आपके साथ है और घर परिवार की खुशियां बनी हुई, लेकिन किसी भी तरह की उत्तेजना के चलते उसमें कोई कमी ना आने दें। कन्या राशि वाले समझ लें कि रिश्तों की चुनौतियां आपको परेशान कर रही हैं, यहां तक कि आप भी अपने कदम पीछे हटाने की सोचते चले जा रहे हैं, क्योंकि चुनौतियां लगातार बनी रहे तो उन्हें संभाले रखना कभी कभी मुश्किल भी हो जाता है। क्या करना चाहिए समय? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें सफलता का योग है, बशर्ते आप लोगों को भी खुश रखें और जिंदगी की स्थिरता भी बनाए रखें। ये ऐसी अच्छी स्थिति है जिसके बारे में आपको सोचना ही पड़ेगा ताकि जिंदगी का सुकून आपके लिए बना रहे। क्या ना करें इस समय में? रिश्तों से जुड़ी चुनौतियों को संभालने में कोई गलती ना करें। बहुत कुछ ऐसा है जिसे अपनी मेहनत और अपनी लगन से संभाला जा सकता है, यहाँ तक कि रिश्तों में भी मधुरता बनाए रखी जा सकती है। अपने मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचारों को उत्पन्न बिल्कुल ना होने दें। नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मक विचार निकाल फेंकिए अपने दिमाग से, यही सबसे जरूरी है आज के लिए आपके लिए। अब सवाल लेंगे सर। सवाल हमारे सामने आता है दिनेश धल का। 23/5/1987, 11:05 सुबह इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। 8 साल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनकी जॉब में, करियर स्टेबल नहीं है, इकोनॉमिक अच्छा इनकी बिजनेस बैकग्राउंड नहीं है लेकिन चाहते हैं बिजनेस करना। बहरहाल अभी इन्होंने नौकरी भी छोड़ी है, क्या इनको नौकरी के बारे में ही सोचना चाहिए या काम अपना कुछ सोचना चाहिए? एक तो सवाल ये कब बेहतर होगी इनकी प्रोफेशनल लाइफ, और दूसरा अपना घर अपनी प्रॉपर्टी कब तक ले पाएंगे? दिनेश, आपकी कुंडली है जी कर्क लगन की और मीन राशि की। आपकी महादशा चल रही है शुक्र की और अंतरदशा चल रही है मंगल की जनवरी 2019 तक। अभी अभी हाल में आपने एक जॉब बदली है लेकिन खुश फिर भी नहीं है, इसलिए आप सोच रहे हैं कि क्या फिर से जॉब बदलने की कोशिश की जाए। देखिए, जो अभी समय चल रहा है जून से अगस्त 2018 के बीच में, इसमें आपके हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, आपकी आर्थिक स्थिति भी बेहतर हो जाएगी, कुछ भरोसा भी जगेगा। तो अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो कोशिश कर सकते हैं, इसमें कोई कमी नहीं है। अपना मकान आपका बन सकता है जी जुलाई अगस्त 2019 में। तो जॉब चेंज का एक मौका मिल रहा है जून से अगस्त 2018 में, और अपनी प्रॉपर्टी का मौका मिलेगा आपको जुलाई अगस्त 2019 में। तो जो ये चेंज का मौका है ये शायद आपकी जिंदगी में भी एक अच्छा चेंज लेकर आ सकता है। आगे तुला और वृश्चिक राशि। देखिए, चेंज हर रोज हमारी जिंदगी में आते हैं और उन चेंजेस के साथ हमें भी खुद को चेंज करना पड़ता है, और ये जरूरी भी है। जब वक्त परिवर्तनशील है तो हमें भी अपने अंदर परिवर्तन लाने पड़ते हैं वक्त के मुताबिक, यही वक्त का तकाजा भी है। तो आज के लिए आपको अपने अंदर क्या क्या परिवर्तन लाने हैं, किन किन बातों पर खास ध्यान देना है, नोट कीजिए। तुला राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है और आपकी जरूरतें पूरी हो सकती हैं, फिर भी आपको लगता है कि आपके अपनों का आपके प्रति दबाव कुछ ज्यादा है। आप अपनों के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं
और फिर भी कोई ना कोई कमी है जिसे पूरा करना संभव नहीं हो पा रहा। क्या करना चाहिए समय? आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय मददगार है। उसका एक बड़ा कारण यह है कि काम और कारोबार से आपके लिए लाभ सुनिश्चित है। जब भी ऐसी स्थिति हो तो इस बात को समझ लें कि तकदीर आपके लिए हर तरह से मेहरबान है। क्या न करें समय में? किसी एक तरफा विचार को बहुत ज्यादा बढ़ाने की कोशिश न करें। किसी एक चीज में इतना भी पैसा न लगा दें कि उसका बुरा असर जिंदगी की दूसरी चीजों पर आ जाए। इसलिए भी थोड़ी एहतियात बरत लें ताकि कोई गलती ना हो जाए। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर आपको अपनी मेहनत पर उतना भरोसा नहीं हो पा रहा। इसलिए कुछ ऐसा उतार चढ़ाव है जिसके चलते आपका मन उचाट हो जाता है। जब भी रोजमर्रा के दबाव ज्यादा हो तो ऐसा होना स्वाभाविक ही है। क्या करना चाहिए समय में? लोगों के प्रति बहुत सारी विनम्रता बनाए रखनी होगी। आपकी हर बात आपके विचारों को स्पष्ट रूप से दर्शाए। आपकी ओर से ऐसी अच्छाई झलकनी चाहिए ताकि लोग आपको पूरी तरह से समझ पाए। क्या ना करें समय में? अपने व्यवहार को किसी भी वजह से तीखा ना बनाएं। शांति और संयम से हर पल को संभाले रखने की कोशिश कर लें। आपकी अच्छी कही हुई बात भी अगर कोई गलत फहमी पैदा करेगी तो ये आपके हित में नहीं होगा। धनु राशि वालों की आर्थिक स्थिति ठीक है, पर आपका असंतोष फिर भी बना हुआ है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि आपके अपनों की जरूरतें भी बढ़ रही हैं, उन्हें भी आपको भलीभांति पूरा करना है। क्या करना चाहिए समय में? घर परिवार की खुशियां बनाए रखना आपका कर्तव्य है। ऐसे में आपके अपनों ने आपकी हर तरह से मदद भी की है और पूरा सहारा दिया है। अब ये आपके ऊपर है कि आप उस अच्छाई को किस रूप से समझ पाते हैं। क्या ना करें समय में? किसी प्यार के रिश्ते को लेकर आप बहुत ज्यादा उत्तेजित ना हो जाएं। हो सकता है वो आपके लिए अच्छी बात हो, पर जरूरी नहीं है कि आपके आसपास के लोग उस अच्छाई को पूरी तरह से समझ पा रहे हो। ये भी एक तरह का विचारों का मतभेद है जिसे बढ़ने ना दें। मकर राशि वालों की पैसे की स्थिति भी ठीक है और घर परिवार का सुख भी बना हुआ है, लेकिन आपका असंतोष फिर भी जाहिर हो रहा है। शायद आपकी उम्मीदें ज्यादा हैं और शायद लोग आपकी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पा रहे। बहुत कुछ ऐसा है जिसे समझना तो पड़ेगा ही। क्या करना चाहिए समय में? रोजमर्रा की छोटी छोटी बातों को बहुत शांति और संयम से संभालना होगा। एक एक करके ही सही, पर हर छोटा कदम आगे बढ़ाते हुए अपनी अच्छाई और ईमानदारी को भी जाहिर करना होगा, और ये सब कुछ बहुत विनम्रता से हो पाएगा। क्या न करें समय में? अपने पैसे की स्थिति को इतना भी मजबूत ना मान लें कि आपसे कोई गलती हो जाए। इसलिए अपनी आमदनी को सही दिशा में लगाने की कोशिश करें। कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसके चलते आपकी बचत कहीं फंसती चली जाए। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे आपसे बात करने। ज्योतिष गुरु आपके साथ लगातार बने हुए हैं, जो आपको तो बता ही रहे हैं, आपके अपनों के बारे में भी कुछ बता रहे हैं। तो ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि आप अपनों के साथ। तो अब कुंभ और मीन राशि, आपके राशिफल को जानने का वक्त आ चुका है। तो आपका राशिफल तो जानेंगे ही, और उसके बाद जानेंगे कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें। कुंभ राशि वाले ही समझ ले कि अपने कामकाज की स्थिति को पूरी तरह से समझे बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। खासकर जब आपके सामने कोई नया विकल्प हो तो आपको संभलना होगा। वैसे भी ये समय ऐसा है जिसमें स्थिरता बनाए रखने से ज्यादा फायदा हो सकता है। क्या करना चाहिए समय में? पारिवारिक रिश्तों में सुख है और कोई प्यार का रिश्ता प्रबल है, पर आपके अपनों के मन में संतोष की कमी रह सकती है। इसलिए आपको उनको पूरा भरोसा दिलाना होगा कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं वो रास्ता सही है। क्या न करें समय में? कामकाज को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश न करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके लिए कोई ना कोई छुपी हुई नुकसान की स्थिति बनी रह सकती है। इसलिए अनजाने में भी अपने नुकसान को आप बढ़ावा न देते चले जाएं। मीन राशि वालों के लिए हालात बहुत मददगार हैं और उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है, पर यह सब कुछ अपनी सूझबूझ से और अपनी लगन से करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि अगर चार लोग आपका समर्थन करते हैं तो एक व्यक्ति आपकी आलोचना भी करता है। उस समर्थन से संतोष पाने के बजाय उस आलोचना से कुछ सीखने की कोशिश कर लें। यह समय आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा है। क्या ना करें समय में? अपनी आर्थिक स्थिति को इतना भी आसान ना समझें। देखने में सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन कई छुपे हुए दबाव हैं जो आपको संभालने ही पड़ेंगे। पैसे की बढ़ती हुई जरूरतों की वजह से आप अपने लिए किसी भी तरह का नया खतरा मोल ना लें। देखिए, पैसे की जरूरतें कुछ बढ़ रही हैं, इसलिए किसी नए खतरे में नहीं पड़ना है, क्योंकि आपको पैसे की जरूरत पड़ सकती है। तो ये तो बात हुई राशिफल की, और अब बात होगी किसी एक खास राशि की। सिंह राशि वालों के लिए आज के दिन में खास ये है कि बहुत संयम बरतना होगा और अपने अच्छे भले हालात को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। कोई भी चीज अगर इस समय की स्थिरता को भंग करती हुई नजर आए तो उससे बचकर चलने की जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल दीजिए इजाजत, और याद रखिए, सम्मान दीजिए दूसरों को ढेर सारा, और याद रखिए ये एक निवेश की तरह है। जितना निवेश करेंगे दूसरों में, ब्याज सहित उतना ही आपको सम्मान वापस मिलेगा।
तो फिलहाल इजाजत दीजिए, आज के लिए ईमेल आईडी है हमारा आपके तारे @aajtak.com, जिस पर आप अपनी कोई भी समस्या, अपना कोई भी सवाल पहुंचा सकते हैं ज्योतिष गुरु तक। वेबसाइट है www.aajtak.in/tare। तो आज की मुलाकात, आज का साथ यहीं तक, कल फिर इसी समय इसी चैनल पर ज्योतिष गुरु के साथ फिर होंगे हाजिर लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।